भाई हम तुमको क्या बोले, बहुत दूर है, तुम जितना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना दूर। हाय गाइस, तो अभी बारिश हो रहा है यार, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। मुझे मॉनसून बहुत पसंद है। जब भी मेरे सिटी में मॉनसून आता है यार, तो मेरा फेवरेट सीज़न बन जाता है। मतलब मॉनसून जब भी रहता है मुझे इतना मज़ा आता है, क्योंकि मौसम ही ऐसा रहता है कि इतना अच्छा फीलिंग देता है। जितने भी टीनेजर होंगे या फिर जितने भी यूथ हैं, उन्हें मॉनसून खास करके बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। पता नहीं मानसून क्यों पसंद है, बॉलीवुड मूवीज़ का हाथ है कि क्या है। देख लो यार, बारिश हो रहा है बाहर। बारिश दिख, बादल दिख रहे होंगे। तो बारिश का ये मज़ा है, आप भींगते हो, आप नहाते हो, लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगती है आपको। जैसे कि अभी मैं बारिश में भींग रहा हूँ थोड़ा बहुत, और आपको दिख रहा हो। तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है। आप जब बारिश होता है, तो बारिश होने के बाद क्या होता है ना, कि जितने पेड़ पौधे हैं, जितने भी सराउंडिंग्स जितना आपका होता है, वो पूरा पूरा क्लीन हो जाता है, एकदम हरा भरा। जितना भी पेड़ है, हर चीज़ जो है, आपको पूरा एकदम हरा भरा लगता है, एकदम मस्त लगता है। तो ये सबसे बड़ा बात है, सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है कि जब बारिश होने के बाद मौसम इतना अच्छा होता है, इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना, कि मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो आज का प्लान ये है ना कि हम लोग अभी जा रहे हैं एक दोस्त से मिलने के लिए। उसके बाद एक दोस्त मेरा अभी आ रहा है, फिर उसके बाद मैं एक दोस्त से मिलने जाऊँगा, तो फिर उसके साथ इन्जॉय करते हैं, चाय वाय पीते हैं, समोसे वमोसे खाते हैं, मस्ती करते हैं। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। इन चीज़ों को ही मैं एक्चुअली लाइफ कहता हूँ, दोस्तों के साथ घूमना या फिर इन्जॉय करना। क्योंकि और सब चीज़ें जो भी आप करोगे अपनी लाइफ में, वो आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन आप दोस्त के साथ अगर टाइम स्पेंड करोगे, इन्जॉय करोगे, आप उस टाइम में अपनी लाइफ को जीते हो यार, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो देखो ब्लॉग, वो आ रहा है थोड़ी देर में मेरा दोस्त, फिर हम लोग चलेंगे, एक दोस्त से मिलना है। एक्चुअली वो दोस्त ने अभी अपना घर चेंज किया है, तो उसका घर भी ढूंढना होगा कि कहाँ पे है। फिर हम लोग घर ढूंढेंगे, फिर उससे मिलेंगे, फिर जाके हम लोग कुछ मस्ती करेंगे, आपको दिखाते हैं। ये जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी सो के उठे हैं। हमारे आने पे शिवम जी, शिवम चलो ना, बाइक निकालो ना, शिवम बाइक नहीं निकाल पाऊंगा, बाइक निकालो, चलो ना, चलो रेडी है, जारी जारी रेडी, चलो आते हैं। टाइम हो गया यार, 15 मिनट से हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे शिवम के घर के आगे, लेकिन शिवम जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब जाके फाइनली उसका चेहरा दिखाया, अभी भी घर के अंदर घुस गया, देखिए नहीं दिख रहा, सॉरी, घर के अंदर घुस गया। कब आएगा शिवम? 15 मिनट सुपर हो नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो। मेरी ईद का चांद जो शिवम हो गए थे, वो अब दिखे हैं। शिवम इस तुम लोग आ गए हैं यार, अभी हमारा पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, ये हमारा यहाँ पे स्पॉट है, हम लोग यहाँ पे बैठते हैं या फिर बात बात करते हैं। लेकिन क्या खाना है या फिर क्या बाहर जाना है, एक डिसाइड नहीं हो पाया। पता नहीं कब डिसाइड होगा। तो हम लोग भी रेस्टोरेंट आ गए हैं कुछ खाने के लिए। मुझे पता है कि बाहर नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज प्लान बन गया बहुत दिन बाद, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग खा लें। और ये है मेरे दोस्त यहाँ पर, आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हैं। हाय गाइस, लाइफ ब्लेसिंग है यार। इस वीडियो को तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अपने लाइफ से सीखो यार, आगे बढ़ो, इन्जॉय करो चीज़ों को, नए नए मोमेंट्स को ढूंढो। आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो ना, तो पूरा दिल से जाओ, जो काम करो, जिस काम को जिस टाइम कर रहे हो, पूरा इन्जॉयमेंट के साथ करो, सब कुछ लगा दो अपना उसमें, अपना बेस्ट दो। ऐसा लगना चाहिए कि कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा काम कर रहे हो यार, इन्जॉय कर रहे हो, दिल से काम कर रहे हो। चाहे दोस्तों से बाहर ही क्यों ना जा रहे हो घूमने के लिए, लेकिन अपना पूरा हार्ट दे रहे हो उस काम में, ऐसे काम किया करो। और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सीखो, उनसे इन्जॉय करो यार। देखो कि जब मॉनसून आता है ना, सराउंडिंग्स कितना अच्छा हो जाता है, आसपास जो आपके आपका इन्वायरमेंट रहता है वो कितना सही हो जाता है, बहुत खुशी मिलेगी यार। छोटी छोटी चीज़ों को अगर लाइफ में ऑब्जर्व करना चालू किया, अवेयर रहना चालू किया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइफ ब्लेसिंग है, एक्सेप्ट करो इस बात को,
ठीक है ना, लाइफ ब्लेसिंग है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है यार कि हम, हमारे पास लाइफ है जीने के लिए, हम दूसरों को, दूसरों के लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, उन्हें खुश रख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अच्छे से रहो यार, ख्याल रखो, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है, मिलता है फिर अगले ब्लॉग में, फिर अगले वीडियो में।